नमस्कार साथियों, स्वागत है एक नए ब्लॉग में। मैं हूं आपके साथ पवन माली, आप देख रहे हैं पवन माली चम्मल मंडायल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं करौली बस स्टैंड का लेकर आया हूं, प्राइवेट बस स्टैंड है। तो दोस्तों, और भी मैं आगे की जानकारी आप तक पहुँचाऊँगा यहाँ पर जो मैं करौली में आया हूँ और करौली का जो बस स्टैंड मैं दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्राइवेट बस स्टैंड है जो गुलाब बाग के पास में पड़ता है, और भी आगे की पूरी जानकारी जानेंगे। यहाँ पर आप पहले देख सकते हैं जो बसें काफ़ी यहाँ पर खड़ी हुई हैं, और जो प्राइवेट बस स्टैंड है जो काफ़ी पुराना बस स्टैंड है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं प्राइवेट पुराना बस स्टैंड। साथियों, पवन माली चम्मल मंडल यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं प्रतिदिन की नई जानकारियां एवं नए ब्लॉग लाता रहता हूं प्रतिदिन। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं, अभी मैं गुलाब बाग के बस स्टैंड के ऊपर आ चुका हूं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहां पर करौली का नज़ारा देखने को मिलता है बस स्टैंड के आसपास। तो और भी अगर आगे की जानकारी जानेंगे यहाँ पर करौली की, और भी जानकारी, पूरी जानकारी, काफ़ी जानकारी यहाँ पर इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, बने रहें, वीडियो को मिस ना करें, वीडियो को पूरा देखें। तो अभी अपन चलते हुए तो दोस्तों और भी आगे चलेंगे, और भी आगे की अपन जानकारी जानेंगे यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं क्षेत्रीय वन विभाग अधिकारी, तो यहाँ पर जो प्राइवेट जो बस स्टैंड है तो उसके ऊपर यहाँ पर ऑफिस बनी हुई है क्षेत्रीय वन विभाग अधिकारियों की। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं वन विभाग यहाँ पर ऑफिस है, और भी आगे की अपन जानकारी जानेंगे इसी वीडियो में। यहाँ पर और भी बस स्टैंड बना हुआ है, जो सरकारी बस स्टैंड है, जो रोडवेज बसों का जो बस स्टैंड है उसकी भी जानकारी जानेंगे। तो वीडियो में बने रहें। दोस्तों, मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इससे आने वाली जानकारियाँ सबसे पहले आप सभी को प्रतिदिन की मिलती रहें। तो दोस्तों, और भी आगे अपन आ चुके हैं, और भी आगे की अपन जानकारी जानेंगे यहाँ पर। और भी आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, जो सरकारी बस स्टैंड है, जो रोडवेज बस स्टैंड है उसकी जानकारी आप जान सकते हैं। यहाँ पर जो प्राइवेट बस स्टैंड है उसके पास में ही यहाँ पर सरकारी बस स्टैंड बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम करौली, आगर केंद्रीय बस स्टैंड करौली, यहाँ पर टेलीफोन नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसके पास में ही और भी आगे की अपन जानकारी जानेंगे दोस्तों यहाँ पर। साथियों, अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पर जो पुराने बस स्टैंड से निकलता हुआ, और यहाँ पर सब जो सरकारी बस स्टैंड है, जो रोडवेज बस स्टैंड है, वो आप देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर नज़ारा देखने को मिलता है। और पास में ही यहाँ पर रोडवेज बस स्टैंड के पास में ही SBI बैंक भी बनी हुई है, और SBI बैंक है। और भी यहाँ पर जो बस स्टैंड के आसपास काफ़ी यहाँ पर ATM वगैरह, काफ़ी बैंक वगैरह हैं, बड़ौदा बैंक, ATM, CHC बैंक, काफ़ी यहाँ पर बैंक हैं दोस्तों। और ये बस स्टैंड गुलाब बाग पर पड़ता है रोडवेज बस स्टैंड, प्राइवेट बस स्टैंड, और यहाँ पर काफ़ी बैंक हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर करौली का नज़ारा देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कैनरा बैंक गुलाब बाग बस स्टैंड के पास में, यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर ATM है, जैसे कि आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, काफ़ी यहाँ पर बैंक भी हैं और ATM भी हैं, काफ़ी सुविधा है यहाँ पर। जो मैं वीडियो लेके आया हूँ बस स्टैंड के आसपास का वीडियो, आप देख सकते हैं इस प्रकार से पूरा नज़ारा देखने को मिलता है। तो दोस्तों, कमेंट में अपनी राय जरूर दें, वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी प्रतिदिन की नई नई जानकारियां आप सभी को मिलती रहें पवन माली चम्मल मंडल यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ओरिजिनल एवं सटीक जानकारी। साथियों, अभी मैं आ चुका हूँ गुलाब बाग मोड़ पर। तो दोस्तों, गुलाब बाग मोड़ का इस प्रकार से नज़ारा देखने को मिलता है करौली का। साथियों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में।